नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, SPS स्टडी पॉइंट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, यह मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा लिखित पैटर्न पर होनी है उन सभी के लिए आज की ये क्लास रामबाड़ होगी। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में प्रीवियस 3 ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए थे विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और उनके आधार पर मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है जो आपको आपकी परीक्षा में 100% सफलता देगा। ठीक यही ये मानकर चलिएगा कि यह आपका क्वेश्चन पेपर ही है। आपके क्वेश्चन पेपर के पूरे फॉर्मेट के आधार पर मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है। नई शिक्षा नीति के आधार पर सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों सब में यही सिलेबस लागू होगा और ठीक यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर टाइटल है वह है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको 8 यूनिट टोटल और टोटल पढ़नी है। ये आपके बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप पेपर टाइटल से अवगत हो गए। अब हम चलिए देखते हैं कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो कितने नंबर का आएगा और कितने घंटे हल करने के लिए मिलेंगे। तो समय आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने का 2 घंटे का दिया जाएगा। अगर बात करें मैक्सिमम मार्क की तो 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा। देखिए, टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 है, लेकिन इस 100 में 25 नंबर जो आपके रहेंगे वो मिड टर्म के रहेंगे और प्रैक्टिकल के, और 75 नंबर आपकी थ्योरी हो जाएगी। तो ये कंप्लीट आपका 100 नंबर हो जाएगा। लिखित पैटर्न के आधार पर दोस्तों जो पेपर आपका आता है वह 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जिसमें बात करें सेक्शन ए की तो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और सी में जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग सेक्शन के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ओके, क्लियर इतनी चीजें। चलिए अब आपको बता दें कि जो सेक्शन ए आपका होता है वो कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की संख्या जो होती है वो 10 होती है। सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 50 वर्ड होती है, यानी 50 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। और किसी किसी विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट टाइप का, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन दिया है आपको। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसा कि अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बात करें MJPRU विश्वविद्यालय की, और आजमगढ़ जो महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ दोस्तों जो कानपुर विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, रजू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर विश्वविद्यालय में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के, ठीक है। फिलहाल 10 प्रश्न दिए हैं और इन 10 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पर है रिजोनेंस एनर्जी, हिंदी में इसे कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनाद ऊर्जा इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ये पहला प्रश्न आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का प्रश्न है जो कि आपका यूनिट नंबर 7 बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। वहाँ आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रश्न ये एग्जाम में। अगला है CPU एंड ALU। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न, ये 2 कंप्यूटर के हो गए। अगला आपको जो तैयार करना है दोस्तों, चौथा प्रश्न। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे प्रश्न की तो चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर लें इन 2 प्रश्नों की, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, तो ये 3 वर्षों में विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और इस बार 100% गारंटी है मेसोमेरिक इफेक्ट आने की। अगला आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रश्न है ये गारंटी वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न आपका BIMP है, हर बार हर विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में देखने को आपको ये मिलेगा। ओके, तो यह पांचवा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म आप तैयार कर लेंगे। दूसरा आपका है 7 नंबर क्वेश्चन प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी आपके लेसन नंबर यूनिट नंबर 8 जो कि है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, उसका ये प्रश्न है। प्रॉबिलिटी का हिंदी जो होता है वो होता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता होता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा प्रॉबिलिटी के टर्म को। ये दोस्तों 2021, 22 और 23 सत्र में अभी तक आल विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है प्रॉबिलिटी का टर्म। अगला है मीसो कंपाउंड, माफ कीजिएगा मीसो कंपाउंड क्या होता है, मीसो यौगिक किसे कहते हैं, तो मीसो यौगिक इस बार आएंगे, अगली बार कुछ विश्वविद्यालय में पूछा गया था। अगला देखिए 9वां प्रश्न आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं अति संयुग्मन। ठीक है, अति संयुग्मन के टर्म से आप क्या समझते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये BIMP क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये BIMP क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। चलिए अगला 10वां जो प्रश्न है वह है डिस्क्राइब द शेप ऑफ SF6 विथ द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर आपको SF6 का शेप बताना है, किसकी सहायता से, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के माध्यम से। ये 10 प्रश्न हमने आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस चूज किए थे। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी हो सकता है आ जाए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये तीनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। और कंप्यूटर में जैसे कि विंडो क्या होता है, डॉस क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, WWW क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि पूछ ले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो बेसिक जानकारी रखिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना है। और यह सेक्शन में बताना भूल गया था आपको कि वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन जो होता है वो कितने नंबर का होता है, तो ये 30 नंबर का सेक्शन होता है, 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 30×10=30 नंबर का ये सेक्शन है। ओके, क्लियर है आपका। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों की। सेक्शन बी में जो प्रश्न होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं भैया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हल करना होता है वो 4 क्वेश्चन, केवल और केवल 4 प्रश्न आपको हल करने होते हैं पेपर में। लगभग पूछा जाता है 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिनमें से 4 का उत्तर आपको देना रहता है और लगाकर पूछा जाता है। ये वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा, जैसे कि कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसकी जगह पर दूसरा प्रश्न डाल दिया जाता है ताकि आप कर पाएँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 प्रश्न करने होते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न, तो ये मानकर चलिएगा 10 नंबर का ये प्रत्येक क्वेश्चन होता है, तो ये 30 नंबर का सेक्शन आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और शब्द सीमा कितनी रहती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखना होता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों की कि कौन कौन से प्रश्न इस बार आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, डिस्कस द वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं ये आपको बताने हैं, और टाइप, इनके प्रकार आप जरूर याद कर लीजिएगा, टाइप्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, ये आपका पहला प्रश्न हो गया शॉर्ट टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इन दोनों में कभी कभी अंतर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट ये दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो पूछे गए हैं वो इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पूछे गए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गारंटी वाला प्रश्न आपका 3रा नंबर है भैया, 10 नंबर पक्का आपको मैं देने वाला हूँ, यहीं पर आज ही तैयार होगा सारा चीज। ठीक है, व्हाट इज DL, यहाँ पर इज होना चाहिए, व्हाट इज DL and RS, DL and RS सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। यह नॉमनक्लेचर आता है पेपर में, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में गारंटी के साथ, तो 10 नंबर आज यहीं पर आपका पक्का हो गया। ठीक है, ये गारंटी वाला प्रश्न है, ये आपका वैन डर वाल फोर्स गारंटी वाला प्रश्न आता है, हर बार एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, तो चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द BBT, व्हाट इज द इट्स लिमिटेशन। BBT का मतलब क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है
और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है, ये पूछी जाती है। तो ये भी 10 नंबर के लिए आता है, ये भी आपका 10 नंबर क्लियर है। आई होप आपका वंडरवॉल फोर्स 10 नंबर, आपका आरएस सिस्टम नॉमेनक्लेचर 10 नंबर और आपका बीबीटी 10 नंबर, टोटल जो आपके होंगे वो 30 नंबर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट। क्या लिखना है भैया? शॉर्ट नोट आपको इस पर लिखना है, और शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्या पूछा गया है? इंक्लूजन कंपाउंड और फ्री रेडिकल्स। इंक्लूजन कंपाउंड मतलब क्या होता है? देखिए, इंक्लूजन कंपाउंड से प्रश्न आते हैं और इसी की जगह पे आता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और अगला है फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक, इसे कहते हैं मुक्त मूलक, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स के टॉपिक भी आते हैं, तो ये आपके शॉर्ट नोट लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि छठा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, डिस्कस इट्स टाइप। आइसोमेरिज्म यानी समवता, हिंदी में से क्या कहते हैं? समवता कहते हैं। कि समवता होती क्या है और कितने प्रकार की होती है? कभी कभी इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और सिस फॉर्म और बोट फॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म और बोट फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आइसोमेरिज्म यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री का यह टॉपिक है, यूनिट नंबर 6, क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा भैया। स्टीरियो केमिस्ट्री से एक तो लॉन्ग सेक्शन में और एक शॉर्ट सेक्शन में प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो आपका ये छठवां प्रश्न क्लियर है, समझ में आ चुका है आपके। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर। आपको यहाँ पर बताना है कि जो कंप्यूटर की डिफरेंट प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, जिसमें तीन प्रकार की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तीन प्रकार की भाषा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपका हो जाता है कोबाल, ठीक है, पास्कल, और एक भाषा और है शायद मैं इसको दिमाग से उतर चुका मेरे, ठीक है, कोबाल, पास्कल और बेसिक, ठीक है, ये तीन भाषा हैं। तो इन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो प्रमुख हैं, उनको आपको तैयार करना है, यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 10 135। इसका आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन हो सकता है लॉग का क्वेश्चन अभी तक आया है, हो सकता है परमुटेशन से क्वेश्चन आ जाए या पार्शियल डिफरेंशिएशन से आ जाए, या एक टॉपिक और तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सरल सा है, मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है फजान भाई साहब का नियम, फजान रूल क्या होता है, और यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अगर फजान का नियम नहीं आएगा प्रश्न में तो पोलराइजेशन आएगा, ठीक है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजबिलिटी, ध्रुवण और ध्रुवणता में अंतर क्या है, ये होते क्या, ठीक है। तो फजान रूल जब पढ़ेंगे तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 9 प्रश्न थे जो मैंने डाला था सेक्शन नंबर बी से, और आपको पेपर में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, 9 में से 4 प्रश्न आपको देने हैं। तो अगर आप ये 9 तैयार कर लिए तो 100% है, गारंटी है, ये 4 प्रश्न आपको यही से मिलेंगे, ओके। तो हमने सेक्शन बी को भी कवर कर लिया, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। देखिए सेक्शन सी जो होता है वो आपका लॉन्ग सेक्शन होता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित होते हैं। शब्द सीमा की बात करें तो आपका 500 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, और 2 प्रश्नों के उत्तर इसमें से देने रहते थे पहले, और अब कुछ विश्वविद्यालय में 2 हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 1 प्रश्न हो गया है, और 1 प्रश्न जो रहेगा वो 15 नंबर के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं, मानकर चलिए कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 2 को तैयार कर लेना है आपको, ठीक है, और इसमें से 2 मैं फिक्स क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, 2 फिक्स क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने क्वेश्चंस की संख्या जो डाली है वो 4 क्वेश्चन डाली है, ताकि हो सकता है वो दोनों आए तो 2 दूसरा आएगा तो वही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो हमने पहले प्रश्न को चूज किया है लॉन्ग वाले सेक्शन से, वह है व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। कन्फॉर्मेशन मतलब समरूपण, क्या होता है? समरूपण होता है हिंदी इसकी।
तो आपको बताना है कि समरूपण क्या होते हैं और ये जो कुछ कन्फॉर्मेशन दिए कुछ दिए गए हैं तो इनके कन्फॉर्मेशन बताना। पहला है एनब्यूटेन और दूसरा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और एनब्यूटेन का आपको कन्फॉर्मेशन बताना है। ये गारंटी वाला प्रश्न है दोस्तों, 100% ऑलवेज विद्यालय में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन इट्स टाइप। संकरण कहते हैं हिंदी में से, हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण क्या होता है और संकरण के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, किनके प्रकार कौन कौन से हैं, क्लियर है। तो आपको संकरण और संकरण के प्रकार तैयार कर लेना है। ये दूसरा 100% वाला प्रश्न है, फिक्स है, ये दूसरा प्रश्न है, फिक्स होता है, हर बार पेपर में आना, ये फिक्स होता है, ओके। चलिए अब तीसरे प्रश्न की बात कर ले, तो तीसरा क्वेश्चन इसमें जो आपका है वो है व्हाट इज बाइनरी सिस्टम, ए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर दिया गया है टू द डेसिमल इक्विवेलेंट। ये यहाँ पर पहले तो बताना है कि जो है बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, और कुछ ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करिए, ठीक है। तो ये बदलने के लिए आता है डेसिमल वाला, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जरूर तैयार करिएगा। चौथा प्रश्न है एक्सप्लेन द वेस्पर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। दोस्तों बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये थ्योरी ऐसी है जो लगातार ऑलवेज विद्यालय इस क्वेश्चन को पूछता है और ये यूनिट नंबर सेकेंड का आपका प्रश्न है, गारंटी वाला प्रश्न है। तो 15 नंबर आपका यहीं से हो जाएगा पक्का। ये पहला वेस्पर थ्योरी और दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन, 30 नंबर ये आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये दो प्रश्न नहीं आया बाई चांस, इसका तो आना गारंटी है, तय है, ये तो हर बार पूछा जाता है, बाई चांस हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर आएगा, गारंटी है आपके प्रश्न में, ठीक है। तो इतने थे जो प्रश्न, मैंने आपको कम्प्लीटली आज का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। इस मॉडल पेपर को अभी से आप लोग लग जाइए तैयार करिए। इसका सोल्यूशन आपको अगर चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, तो आप हमारे ऐप पर विजिट करिए। एप्लीकेशन जो SP स्टडी पॉइंट का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा SP स्टडी पॉइंट का ऐप, ठीक है। वहाँ पर आपको 199 रुपीज़ में टोटल आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स PDF के साथ, हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ इजी नोट्स की आपको मिलेगा, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर का सलूशन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 3 वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सारी सुविधा वहाँ पर दी गई है। आप जा करके और ये अब जो कि है आपका कोर्स दिया गया, उस कोर्स में विजिट करिए और आप ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।